आइए चलते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 120 ग्राम चरस अवैध मादक पदार्थ जब्त की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक तस्कर खजाना क्षेत्र के पाकिजा रोड स्थित नहारशा पेट्रोल पंप के पास अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने के लिए खड़ा हुआ है। मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच और खजराना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर संदिग्ध अमन मंसूरी को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 120 ग्राम चरस मिली, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। खजराना क्षेत्र में लगातार हमको शिकायतें प्राप्त हो रही थी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के संबंध में। उस संबंध में क्राइम ब्रांच से कार्रवाई करते हुए एक अमन मंसूरी नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। उससे लगभग 120 ग्राम चरस बरामद की गई है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और उसमें इस तरह के जो अन्य जो लोग हैं जो कि इस तरह से वहाँ पर अवैध नशा बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। वो डिटेल्स पूरी निकाली जा रही है। खजराना क्षेत्र में ही बिक्री करता था, वहीं से इसको पकड़ा। लगभग 1,00,000 रुपए की जो है हम आंक रहे हैं जो इससे माल मिला है।